हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीएस मोटिवेटर्स। दिस इज मोहित राज। आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्किल का एक प्यारा सा थ्योरम है, तो चलिए देखते हैं थ्योरम है क्या। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। सर्किल के बाहरी बिंदु से अगर सर्किल पे दो टेंजेंट खींचा जाए तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस फिगर में दिया गया है कि एबी और एक्यू दो टेंजेंट्स है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों का लेंथ इक्वल है या नहीं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो दिया क्या गया हुआ है, गिवन टू टेंजेंट्स एपी एंड एक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ। ये हमें गिवेन है, ये सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा। सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो लिखते हैं, टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है, एपी इज इक्वल्स टू AQ, यही ना हमें सिद्ध करना है कि दो टेंजेंट्स है AP और AQ, इन दोनों का लेंथ इक्वल है या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो इस फिगर में देखते हैं, हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है उसे ब्लैक मार्कर से डिनोट किया है। तो हमें यह कंस्ट्रक्ट किया है कि OP को ज्वाइन कर दिया है, OQ को ज्वाइन कर दिया है और OA को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओए, इसे हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हम चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, एपी इज अ टेंजेंट एट पी एंड OP is a radius through P। तो इस फिगर में देखते हैं AP जो है वह एक टेंजेंट है P पर और OP रेडियस है P पर। Therefore, AP perpendicular on OP। हम लोग यह जानते हैं कि अगर टेंजेंट पे कोई भी अगर रेडियस जाता है तो वह परपेंडिकुलर रहता है। सिमिलरली, इसी तरह AQ परपेंडिकुलर होगा OQ पर, AQ परपेंडिकुलर ऑन। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं यहां पर दो ट्रायंगल ड्रॉ हो गए हैं, ट्रायंगल APO, ट्रायंगल AQO, ये दोनों ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल्स APO एंड AQO, यह दोनों राइट ट्रायंगल होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि AP जो है परपेंडिकुलर है OP पे, AP जो है परपेंडिकुलर है OP पे, मतलब कि यहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसी तरह AQ जो परपेंडिकुलर है OQ पे, इसी तरह ये भी 90 डिग्री हुआ, इसलिए ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो OP OQ के कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडी ऑफ द सेम सर्कल, यह दोनों रेडियस है एक ही सर्कल के, इसलिए यह दोनों आपस में इक्वल होगा। और OA जो है AO के बराबर है, OA इज इक्वल टू AO, क्यों, क्योंकि यह कॉमन है। Therefore, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AQO, क्यों, क्योंकि यह दोनों का रेडियस आपस में बराबर है और एक साइड कॉमन भी है। तो RHS
कॉन्ग्रुएंस है जब दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस है, यह दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए। जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए तो ए क्यू और ए पी भी आपस में बराबर होंगे। देयरफोर ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू। क्यों यह दोनों आपस में बराबर कैसे है? क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल से यह दोनों साइड भी आपस में बराबर हो गए। थैंक यू।